हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाईके गोटलवर। दोस्तों, आज है हम पुणे सासवड़ में AS गोट फार्म एंड एनिमल फीड। इनका पिछला वीडियो हमने कवर किया था, तुअर भूसे का और चने का छिलका। अकिल भाई हमारे साथ में, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकिल भाई खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज़िम भाई। अकिल भाई, इस वीडियो में आप 3 बकरे दिखाएंगे। जी, तो ये आपके साथ में कौन है, पहले इनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए। ये हमारे भतीजे हैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा। मोहम्मद हुज़ैफ़ा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और हुज़ैफ़ा आपका चैनल भी है? हाँ, हुज़ैफ़ा एंटरटेनमेंट चैनल है जी, उस पर व्लॉग्स बनाता हूँ जी, तो सब्सक्राइब कर लेना। जी जी ठीक है। तो ये हुज़ैफ़ा एंटरटेनमेंट चैनल को सारे हमारे भाई सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये इतने कम उम्र में ब्लॉग बना रहे। तो अकिल भाई, ये बकरे आपने आपके फार्म पे तैयार किए हुए जी, 3 बकरे दिखाएंगे हम इस वीडियो। हाँ जी, 3 ही बकरे। ये कौन से नस्ल में? ये तोता परी। अपना तोता परी नस्ल में है ये? तोता परी है। तो ये कभी लिए थे आपने? ये अपने पास आके अभी 1 साल हो गया है। एक साल हो चुका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा तैयार किया माशाल्लाह। तो ये आप ही इन पर ध्यान देते क्या? नहीं, मैं नहीं देखता हूँ, अपने केयरटेकर है जी, मामा देखते हैं वो पूरा। तो आप यहाँ पर आते रहते हैं? हाँ आते रहता हूँ, विजिट करते रहता हूँ। आप काफ़ी कलर काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। तो ये जो 3 हम बकरे दिखाने वाले इस वीडियो में जी, तो ये फोर सेल के लिए? नहीं नहीं भाई, ये अपने घर के बकरे हैं, फोर सेल नहीं है। ये घर के बकरे आपकी कुर्बानी करने लगे आप? हाँ इंशाल्लाह, कुछ है कुछ कर रहे हैं, कुर्बानी भी हो रही है जी। जी, और काफ़ी हमारे भाई ऐसा करते हैं कि बच्चा लेकर उसको पाल कर फिर कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह। तो आपने वैसे ही है, ये बच्चा अपन लेकर ही संभाल के अभी कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। क्या डिटेल पे ये बकरा? ये अभी 2 दांत पे है जी, 60+ वेट है इसका इंशाल्लाह। 2 दांत पे माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा बकरा बना है भाई। लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी बकरी की। नाम रखा है कुछ इसका? क्या नाम है हुज़ैफ़ा? सिम्बा। सिम्बा नाम रखा है आपने इसका जी माशाल्लाह। सामने से दिखा देता हूँ उसको। तो क्या खिलाते हैं इसको? अपना नॉर्मल फीड है भाई, कुछ ऐसा ज़्यादा हैवी डाइट नहीं है जी। तुअर का भूसा, चने का भूसा जी, फिर फ्रेश जो हरियाली मिलती है अपनी वही बस। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बेसिक डाइट है, ऐसा हैवी डाइट कुछ नहीं दे रहे हैं। हैवी डाइट कुछ नहीं है, जो नॉर्मल फीडिंग होती है वही कराते हैं आप जी। इसका नाम आपने रखा है सिम्बा जी। ठीक है, अभी आपका दूसरा बकरा दिखाते। ये आपका दूसरा बकरा है जी, ये काफ़ी दौड़ा था ये। बहुत भगा था ये। इसका क्या नाम रखा आपने? इसका हम नाम तो रखे नहीं, अभी रख देंगे इंशाल्लाह बात करते करते। हैंडसम, हैंडसम नाम रखे इसका आपने जी। काफ़ी खूबसूरत बकरा है, पिंकनेस जो है ना इसके चेहरे पे काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये कौन से नस्ल में एक्चुअली? ये एक्चुअली नस्ल, इसको कश्मीरी बोल सकते हैं हम, कश्मीरी ही है ये। मैं परचेस कश्मीरी बोल के ही किया था। ओके ओके। तो ये कभी लिए थे आपने अखिल भाई? इसको हो गए 6 महीने हो गए लेकर। 6 महीने हो गए, बताओ आप भी लिए आपने रिसेंटली? रिसेंटली। तो ये जब आया था तो क्या वेट पे था? वेट मैं नहीं किया था, बच्चा था ना। अच्छा, तो काफ़ी छोटा होगा ना इससे? हाँ अभी तो दांत स्टार्ट किया है इसने। अच्छा, अभी दांत किया है इसने जी। तो इसको पल्टी करने वाले या कुर्बानी करने वाले? नहीं नहीं नहीं, पल्टी पल्टी करने वाले। हाँ, पल्टी काफी खूबसूरत चीज है, क्योंकि ऐसी चीज को कंघी वगैरह करनी पड़ती है, बार बार नहलाना पड़ता है, तो ये मेंटेन रहती है ऐसे बकरे माशाल्लाह। वही खूबसूरती देख के ही लिए हैं। खूबसूरत है भाई। तो ये कौन सी ब्रीड में? ये कश्मीरी प्रॉपर तो नहीं बोलेंगे इसको? मैं कश्मीरी बोलकर लिया हूँ। तो कश्मीरी में और इसमें काफी तो फर्क है। हाँ, मगर काफी खूबसूरत बकरा है। हाँ, जिससे मैं परचेस किया उसने मुझको कश्मीरी बोलकर ही दिया है जी। जी, तो कश्मीरी बोलेंगे भाई। बकरा तो बहुत माशाल्लाह है, आपने नाम रखा हैंडसम। हैंडसम जी भाई। और अभी 2 दांत ही किया है, बोल रहे हैं 2 दांत कर रहा है अभी। 2 दांत कर रहा है, वो तो काफी गुंजाइश है अभी इसमें। और अभी छोटा सा बच्चा है ये। हाँ, बहुत छोटा है अभी माशाल्लाह। बाल वगैरह फर्री बहुत अच्छा है जी। जी, काफी अच्छा बकरा है। ठीक है, अभी आपका जो शो स्टॉपर बकरा है छोटा वो दिखाते। ठीक है, चलिए शांत हो गए। ये आपका आखिरी बकरा है इस जी, जी, का। जी। इसका क्या नाम रखा है आपने? इसका नाम नहीं रखे भाई। इसका नाम नहीं रखे? नहीं रखे। तो ज़्यादातर क्या होता है पता है, कि हम जब पालने के लिए बकरा लाते हैं तो नाम रखते ही है। हाँ। मगर ठीक है, आपने नाम नहीं रखा है जी, क्योंकि आपको इसके बकरे के मुताबिक नाम नहीं समझ में आया होगा कुछ। हाँ। इसके लिए ये 3 बकरे में से मुझे काफ़ी पसंद आया। और एक वो जो कश्मीरी बोल रहे थे आप जी, क्योंकि इसका सीना वगैरह काफ़ी अच्छा बना है भाई। और जो आप बोल रहे हैं आपके जो केयर टेकर है, उनकी काफ़ी मेहनत दिख रही है, क्योंकि उसका सीना वगैरह काफ़ी अच्छा है। उनकी मेहनत है भाई, पूरा वही पूरा केयर टेकिंग, मतलब पूरा वही देखते ना जी। ये कभी लिए थे आपने? ये 1.5 साल हो गया आपने। और कहाँ से लिए थे आपने? कोटा। कोटा से मंगाए थे डायरेक्ट
जी, और हमारे काफ़ी सारे भाई अभी पुणे में भी लाते हैं। हाँ है ना, तो यहाँ से भी अगर किसी को चाहिए तो ऐसे बकरे मिल जाते हैं। हाँ मिल जाएंगे इंशाल्लाह, है ना जी। कभी लिए बोले आपने ये? डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गया जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वक्त वो तो नहीं क्या गुजारा है आपके पास इसने। मगर डेढ़ साल में आपने एक नाम नहीं सोचे इसके वास्ते। क्या डिटेल है इसकी? ये अभी छः दांत पर है। छः दांत पर है हाँ, और 75-80 केजी रहेगा ये आराम से। 75-80 है, गर्म बहुत है। गर्म बहुत है, छोड़ूंगा तो ये मारना ही शुरू करेगा। बहुत गर्म है एक्चुअली, इसको एक आदमी पकड़ पाना ज़रा ये है, मुश्किल है। थोड़ा सा आड़ा कीजिए ना उसको अखिल भाई, क्योंकि उसकी पेटी वगैरह दिख नहीं रही। जी जी, फुल वाइट में, जैसे कि एक जमुनापारी के ऊपर नहीं का जो कान के ऊपर जो ये होते हैं वैसे टाइप कलर है इसका माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत बकरा है। वजन कितना रहेगा अंदाजन? 75-80 जी। 75-80 तो होगा, ठोस बकरा है काफ़ी। हाँ, 80 तो आराम से रहेगा। वगैरह काफ़ी अच्छा बना है इसका भाई, ये सीना इसका काफ़ी बेहतरीन है। और ये कुर्बानी का बकरा है सर? हाँ ये सर कुर्बानी का बकरा अपना, ये अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है और आगे तो ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा ये रखेंगे तो। छोड़ दूँ क्या? हाँ छोड़िए, वो दौड़ेगा फिर, वो मारेगा किसी को भी। हाँ थोड़ा मस्ती कीजिए। मैं कोई मार नहीं, पकड़े 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 पकड़ लीजिए आराम से। जी 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 अखिल भाई, ये तो आपका एक फिलहाल शौक है जी, और आप जो आपका कारोबार है वो एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का करते हैं आप जी, और बकरों के रिलेटेड बोलेंगे तो तुअर भूसा, चने का छिलका, ये आपने अभी ऑफर भी रखा है काफ़ी अच्छा। अगर हमारे किसी भाई को फ्री होम डिलीवरी में तुअर चाहिए तो दो बैग लेंगे अखिल भाई से मार्केट रेट से, तो आप फ्री होम डिलीवरी देते हैं? फ्री रहेगा। ठीक है अखिल भाई, जज़ाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों अभी हमने माशाल्लाह अखिल भाई के ये तीन बकरे दिखाए जो कि इनके शौक के बकरे हैं। अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।